मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमेशा से थोड़ा सा हटके है। अगर आपने ये बातें सीख ली तो आप अपने साथ साथ अपनों की भी जान बचा सकते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है 5 स्टेप जान बचाए। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप अपने लोगों की तो जान बचाएंगे ही, साथ ही साथ अपनी भी जान बचाएंगे। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस टेक्निक को जानना, कौन सी टेक्निक, हाइमलक मनूवर की टेक्निक को जानना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सीखते हैं हाइमलक मनूवर प्रोसेस के बारे में। हमेशा गले में कुछ ना कुछ अटक जाती है, हर लोगों के गले में कुछ ना कुछ अटक जाती, चाहे वो खाना हो या फिर कोई सामान हो। सामान का मतलब होता है च्युइंगम हो सकती है, बॉटल का ढक्कन हो सकता है। बॉटल के ढक्कन से याद आया कि हाल फिलहाल में ही एक ऐसी न्यूज़ आई थी 4-5 दिन पहले, जिसमें एक बच्चा जब पानी पी रहा था तो उसके गले में बॉटल की ढक्कन अटक गई थी। तो टीचर ने इस टेक्निक की सहायता से ही उस बच्चे की जान बचाई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए और खासकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए और ज़्यादा है। तो इस टेक्निक के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारे गले में 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब पहली संरचना कौन सी होती है, संरचना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। उसकी स्पेलिंग क्या होगी, STRUCTURE, ठीक है। और जब भी हम कुछ खाते हैं तो ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। तो आहार नाल से सीधे हमारे पेट में आता है, पेट को हम क्या बोलते हैं, स्टमक, STOMACH, स्टमक। और आहार नाल को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, OESOPHAGUS। तो हमने आहार नाल को बोला ईसोफेगस और स्टमक को बोला पेट हिंदी में, ठीक है। अब आहार नाल पीछे होती है, ये जो हमारा गर्दन है ये आगे से क्या है, आगे से ट्राकिया है, ठीक है। आगे से इस तरह ट्राकिया है जिससे हम सांस लेते हैं तो सीधे हमारे फेफड़े तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे आगे में फेफड़ा होता है और पीछे से यहाँ पे गर्दन में जैसे आगे से ट्रैकिया है और जस्ट इसके पीछे क्या होगी, पीछे होगी यही वाली आहार नाल। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो आहार नाल से पेट में जाता है और जब सांस लेते हैं तो ट्रैकिया से फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा को हम क्या बोलते हैं, लंग्स। और ट्रैकिया, ट्रैकिया की स्पेलिंग क्या होती है, TRACHEA, ठीक है। तो ट्रैकिया से हम सांस लेते हैं, ठीक, सांस जाती है। और जब भी हम अगर कुछ खाएं और गलती से वो अटक जाता है उस टाइम हमें खांसी होती है। खांसी होने के साथ ही साथ हमें सांस भी नहीं आता है और जब भी हमें सांस नहीं आता है तो क्या होता है, तो हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण अगर ज़्यादा बार खांसी हो जाए, ज़्यादा बार अगर आपको लगे कि गले में कुछ अटक गया है और वो फिर ठीक ही नहीं हो रहा है, वो फिर पास नहीं हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ईसोफेगस की तरफ, तो क्या होगा, आपके जो होंठ होते हैं वो थोड़े थोड़े काले भी होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अगर गले में कुछ अटक जाए तो हम ये वाली प्रोसेस करते हैं, कौन सी प्रोसेस, हाइमलक मनूवर की प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो, कौन सी 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें में सबसे पहले अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेग्नेंट, अगर कोई महिला क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तब, और दूसरा तब कि अगर कोई महिला या पुरुष जवान है या फिर बूढ़ा है लेकिन वो जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो नॉट प्रेग्नेंट लिख सकते हैं इसको, नॉट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ प्रेग्नेंट, या फिर लिख सकते हैं अडल्ट, ठीक है, क्योंकि अक्सर बड़ों को भी हो जाता है और जैसे कोई प्रेग्नेंट अगर महिला है तो उनको भी गले में कुछ ना कुछ अटक जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आता है कि छोटे बच्चे जो कि 1 साल से कम उम्र के होते हैं उनके गले में भी अटक जाता है, अगर वो कुछ खाते हैं तो अटक जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्फेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंट्स, ठीक है। तो 3 चीज़ों को आज हम देखेंगे इस प्रोसेस में। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। इस प्रोसेस में अगर कुछ अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अगर देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के या फिर अगर किसी व्यक्ति जो कि कहीं पे खाना खा रहा हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, घर पे हो, अगर उसके गले में अटक जाता है तो वो पहले खांसी करता है, और अगर वो खांसी नहीं भी उसको आती है तो क्या होगा, तो वो इस तरह इशारा करेगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के जिसके गले में अटका हुआ है उस व्यक्ति के पीछे खड़े होकर के उसके नाभि के जस्ट ऊपर इस तरह की मुट्ठी बनानी चाहिए और मुट्ठी रखनी चाहिए, और फिर अपने दोनों हाथ से
नाभि उसके कमर को क्रॉस करके उसके नाभि के ऊपर इस मुट्ठी को दूसरे हाथ से ढकना चाहिए और फिर लगातार पांच बार अंदर की तरफ धक्का देना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ। इस तरह करने से क्या होगा, इस तरह करने से उस व्यक्ति का जो अटका हुआ चीज है, अटका हुआ सामान है, चाहे वो कोई खाने की चीज हो या फिर कोई सामान अगर अटक जाती है तो वो फिर निकल जाता है। अगर पांच बार करने के बाद भी नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वापस से इस स्टेप को दोहराएंगे जब तक वो अटका हुआ सामान बाहर ना निकल जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात होती है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसके पेट को तो नहीं दबा सकते हैं क्योंकि नाभि के पास अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो वहां पे बच्चे का विकास हो रहा है, हो सकता है कि उसको कुछ अफेक्ट हो जाए, उसको कुछ शायद नुकसान हो जाए। तो हम प्रेग्नेंट महिला के ब्रेस्ट बोन का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टर्नम के पास। अब स्टर्नम हम किसको बोलते हैं, देखिए अगर ये महिला है मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे इस तरह होती है फेफड़ा, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे इस तरह ब्रेस्ट हो गई, तो ब्रेस्ट के पास जो यहां की जो हड्डी होती है छोटी सी फेफड़ा के पास, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। अब स्टर्नम की स्पेलिंग क्या होती है, स्टर्नम की स्पेलिंग होती है STERNUM। तो आपको स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखनी है, स्टर्नम की स्पेलिंग क्या होगी, STERNUM, स्टर्नम, ठीक है। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो हम उसके पेट पे प्रेशर नहीं देंगे, उसके नाभि के पास हम प्रेशर नहीं देंगे, हम कहां पे देंगे, हम यहां पे स्टर्नम के पास हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे। लेकिन अब जब पांच बार जब हम ये टेक्निक अपना लेंगे, कौन सी टेक्निक, हाइमलक मनूवर की टेक्निक, उसके बाद भी अगर उस महिला के गले से वो अटका हुआ सामान नहीं निकल पाता है तो हम उसको CPR देना शुरू कर देंगे। CPR में क्या होता है कि चेस्ट पे हम दोनों हाथ को इस तरह से रख के हम दबाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं CPR। तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये हो गई। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है और अगर कोई पुरुष के गले में ये चीजें अटक गई है या फिर कोई खाने की चीज अटक गई जिससे उसको बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको वही चीज करेंगे, नॉर्मल जो हाइमलक मनूवर की प्रोसेस होती है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर हम एक मुट्ठी रखेंगे और फिर उसको पीछे से इस तरह पकड़ करके और फिर ये जो दूसरी हाथ है उसको कवर करेंगे एक हाथ को और फिर अंदर की तरफ धक्का देंगे और फिर अंदर फिर ऊपर, फिर अंदर फिर ऊपर, ठीक है। तो हम इस तरह की प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के गले में अटक गई हो तो हम क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे के गले में अटक गई हो तो हम उसके स्टर्नम के पास, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो फेफड़ा होता है, यहाँ पे कलेजे के पास बच्चे से दो उंगली से हम धीरे धीरे करके पांच बार हम उस पर दबाएंगे ताकि बच्चे के गले में से अटका हुआ कोई सामान निकल जाए। लेकिन अगर तब भी ऐसा नहीं होता है तो हम बच्चे को उल्टा करेंगे और उसके पीठ पे हम इस तरह से हम थोड़ा सा थपथपाएंगे, ठीक है, ताकि उसके गले में अटका हुआ सामान निकल जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन आपके साथ खुद हो तो आप खुद की मदद कैसे करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। खुद कैसे करेंगे, आप खुद के नाभि के ऊपर हाथ डालिए मुट्ठी करके और उसके ऊपर फिर आप ऊपर से हाथ को कवर कीजिए और सेम वही टेक्निक जैसे आपने हाइमलक मनूवर की टेक्निक की थी अडल्ट पे, वैसी ही टेक्निक आप खुद पे ही अप्लाई करेंगे, अंदर की तरफ धक्का देंगे और फिर ऊपर की तरफ, अंदर फिर ऊपर, नाभि के जस्ट ऊपर आपको अपनी मुट्ठी बना करके रखनी है। इस तरह आपको एक स्टेप में, यानी कि एक बार आप पांच बार करेंगे, अगर नहीं निकलता है अटका हुआ सामान तो आप फिर से पांच बार लगातार करेंगे और फिर नहीं निकलता है तो फिर से आप पांच बार लगातार करेंगे जब तक आपके गले में अटका हुआ सामान बाहर ना निकल जाए, चाहे वो सामान कोई खाने की चीज हो या फिर कोई प्लास्टिक की चीजें हो या कुछ भी हो, आप खुद के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाइमलक मनूवर की टेक्निक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अगर कुछ सामान अटक जाता है तो हमें सांस नहीं आती है और ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर बिल्कुल बेजान है, और इस टेक्निक की सहायता से आप अपनी मदद और औरों की मदद खुद भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ मैं जॉब के रिगार्डिंग जो नर्सिंग जॉब्स होती है या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो कोई कोर्स कर चुके हैं उनके लिए जो जॉब आती है उनके लिए मैं उनको बताती हूँ कि आपको ये वैकेंसी आया है या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, और स्टूडेंट्स के लिए मैं वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और क्वेश्चंस पेपर मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको ये सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।